हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, अगर आप LNMU पार्ट वन या फिर पार्ट टू के स्टूडेंट हो और इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स आपको बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 2020 के एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर गेन करोगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको कहता हूँ इसको आप गौर से सुनिए और इसको अप्लाई करने का कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपका क्या काम है, अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपका जो अगर LNMU पार्ट वन के हो आप या फिर पार्ट टू का हो, तो सबसे पहले आप अपने इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस को देखिए। अगर आपको LNMU के वेबसाइट पर सिलेबस मिल जाए तो देख लीजिएगा, अगर सिलेबस वहाँ पर नहीं मिलेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस पे भी वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना, आप समझ जाओगे कि सिलेबस क्या है। दूसरा काम क्या करना आप, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है और किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, अगर ये सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप सिलेबस देखो कि क्या क्या हमें पढ़ना है, उसके बाद आप देखिए कि पिछले 2-3 साल में किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि इससे आपको एग्जाम का ट्रेंड का पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। अगला जो आपको काम करना है, आप केवल फोकस ऑन VBA क्वेश्चन। अभी समय बहुत कम है, क्योंकि 1 तारीख को पहला पेपर का एग्जाम होगा पार्ट टू का और 5 तारीख को दूसरा पेपर का होगा, और इसी प्रकार से अगले महीने में LNMU पार्ट वन का भी एग्जामिनेशन होगा। तो इसीलिए समय अभी नहीं है, कोशिश करिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को कवर करिए। और मैं आपको बता दूं कि इस तीनों पे मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर बात करें मोस्ट VBA क्वेश्चन का, तो जो मैं आपके बीच ये मोस्ट VBA पे वीडियो बनाया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको अगर आप कवर कर लेते हो तो मैं 99% नहीं 100% बोल रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्योंकि ऐसा होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर 2 साल के बाद रिपीट होते हैं LNMU के अंदर, और वही क्वेश्चन को हम इसमें कवर किए हुए हैं। तो इसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2016, 2017, 2018, 2019 और 2019 तक के क्वेश्चन को मैं लिया हूं, और सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिलेबस को देखना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, उसके बाद आपको फोकस करना है VBA क्वेश्चन पर, उसके बाद आपका क्या स्ट्रेटजी होगा। तो चलिए हम देखते हैं हाउ टू राइट अ आंसर। राइट आंसर को लिखने के लिए आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे मैं आपको बताया हूँ कि सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं सिलेबस की बात करूँ LNMU पार्ट टू का, तो उसमें जो एक आता है पेपर 4 में ये आता है वुदरिंग हाइट्स, एक नॉवेल है जो कि एक टॉपिक बन के आया हुआ उस चैप्टर में, एक चैप्टर है। तो वुदरिंग हाइट्स से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वुदरिंग हाइट्स का कैरेक्टर क्या क्या होगा, टाइटल क्या है, थीम है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अभी समय कम है, इसीलिए आप कोशिश करना कि वुदरिंग हाइट या फिर जो भी आपके सिलेबस के अंदर है उस पर एक सेल्फ समरी तैयार करो। एक समरी 500 से 600 वर्ड्स का एक समरी, यानी कि 3 से 4 पेज का एक समरी तैयार करो, और ये फिक्स है LNMU के अंदर कि वुदरिंग हाइट्स है तो वुदरिंग हाइट्स से एक क्वेश्चन आना ही है। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड है या फिर मैकबेथ है या फिर 12th Night है, कोई भी है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आना ही है, कंपलसरी है, एक एक क्वेश्चन आता ही है, जो टॉपिक है वहाँ से एक क्वेश्चन आना ही है। वो डिफरेंट टाइप से आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आप करना क्या, तो सिर्फ समरी सभी का बना लेना, और कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तो समरी से ही आएगा, समरी को आप डायरेक्ट वहाँ पे लिख देना, क्योंकि समय कम है वहाँ पे, अगर सभी क्वेश्चन का अगर आप तैयारी नहीं कर पाते हो तो वहाँ पे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि समरी सिर्फ आप प्रिपेयर करो, और जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आप वहाँ पे लिख के आ जाओ। पहला काम आप ये करना। दूसरा काम ये करना, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉपिक। जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस के अंदर आता है वुदरिंग हाइट्स, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, 12th Night, मैकबेथ, तो सबसे पहले आप उस
टॉपिक के बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन कॉपी में लिख लो कि ये कब लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया है, कौन कौन से इनके मेजर कैरेक्टर है, इनका थीम क्या है दो लाइन का, इनका टाइटल क्या है, ये सारे चीज़ आप कम से कम एक पेज का ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तैयार कर लो। और कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए वुदरिंग हाइट्स का आपने तैयार किया और वुदरिंग हाइट्स से तो ये क्वेश्चन आना ही है, तो सबसे पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पेज में लिख दो। उसके बाद आप जो समरी तैयार किए रहोगे उस समरी को जस्ट लिख दो। मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ऐसे करते हो तो मान लीजिए बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको मिलेगा कम समय में। लास्ट में क्या करना है तो कोशिश करिए, ये सारे चीज़ तो कर ही लिया कि सेल्फ नोट बनाया, बेसिक इन्फॉर्मेशन तैयार किया टॉपिक के बारे में, लास्ट में आपको करना क्या है तो आपको और एक और अच्छा चीज़ है वो हैंड राइटिंग। ये आपके बीच एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन के दौरान। अगर जितना अच्छा आप राइटिंग लिखोगे उतना आपको मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा कट पीस करोगे तो हो सकता है एग्जामिनर को ये अच्छा ना लगे। इसलिए आप कोशिश करना कि जितना मैं बताऊँ, सबसे पहले आप समरी तो किसी भी हालत में हर टॉपिक का समरी तैयार कर लेना। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास समरी नहीं है तो मैं आपको बता दूँ LNMU पार्ट 1 और पार्ट 2 हर टॉपिक का समरी, टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन, हर एरिया से क्वेश्चन सभी का PDF मेरे पास है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो तो ठीक है, अगर नहीं जुड़े हो तो इसी वीडियो में आप अपना नंबर कमेंट कर देना, साथ ही साथ ये लिख देना कि आप पार्ट 1 का स्टूडेंट हो कि पार्ट 2 का स्टूडेंट हो। इतना ही नहीं, अगर आपको कुछ स्पेसिफाई टॉपिक का भी अगर चाहिए, स्पेशली टॉपिक का भी चाहिए, जैसे वुदरिंग हाइट का चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक का, तो टॉपिक का नाम भी लिख के आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। एग्जाम नज़दीक है, बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपका हेल्प करूंगा। तो दोस्तों ये था कुछ स्ट्रेटजी, मैं आपको पूर्णतः फिर कह रहा हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करोगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि LNMU पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सभी पे मैं वीडियो बना चुका हूं और सभी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख लेना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।